मैं इस वक्त जिस पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, सरिता विहार का ये पेट्रोल पंप है। यहाँ आप मेरे आसपास देख रहे होंगे पेट्रोल पंप का स्टाफ मौजूद है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या इस वक्त कीमतों में उछाल है, कैसा असर पड़ रहा है। सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम है? राजेश तिवारी नाम है सर। तिवारी जी, ये बताइए, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, सबसे पहले तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए, क्या है? हम लोग बुरा परेशान है, सेल पे डाउन पड़ रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है, कस्टमर परेशान है। 200 रुपये का लेता हो टंकी हिलाता है, अच्छा। तेल नहीं गया हमारे गाड़ी में, ये हो गया वो हो गया, तो सारे पब्लिक परेशान है। अच्छा। जो लोग आपसे पेट्रोल डलवाने आते हैं या डीजल डलवाने आते हैं, पहले के मुकाबले चेहरे कुछ मायूस हुए? बहुत मायूस, एकदम रोते रहते हैं, जान पर रो रहे हैं तेल डलाते समय। हाँ जी, यानी जेब से आसानी से पैसे नहीं निकलते? नहीं निकल रहे, रोते रहते जी, कस्टमर परेशान है सब। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग? सरकार नहीं कर सकती तो कौन करेगा? सरकार को तो कम करना चाहिए, थोड़ा पेट्रोल डीजल कम होना चाहिए सर। भाई, सरकार नहीं करेगी तो और कौन करेगा? देश में मोदी जी को चुन के हम लोगों ने बिठाया है, तो अगर हम लोग उनसे कहें कि आप पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करिए, और वहाँ से ये कहा जाए कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो कैसा लगेगा? वो तो बुरा लगेगा सर, करना चाहिए, कम होना चाहिए। गैस सिलेंडर दाम बढ़ गए हैं, सब दाम बढ़ गए हैं, सब कस्टमर परेशान हैं, सब फैमिली परेशान है। अच्छा, ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं या आप लोगों की तनख्वाहें वगैरह भी बढ़ रही हैं? तनख्वाह भी बढ़ी नहीं आज तक। अच्छा, सिर्फ कीमत बढ़ रही है पेट्रोल की? डीजल कीमत ही बढ़ रही है जी। तनख्वाह वगैरह बढ़ी कुछ? नहीं जी, कोई तनख्वाह नहीं बढ़ी। तो ये कीमतें जो बढ़ रही हैं, फिर इन पे क्या कहेंगे? इन पे ये कहेंगे कंपनी मालिक को पैसे वाली बना रही है, और क्या। अच्छा, और क्या, कीमत बढ़नी चाहिए? बिल्कुल, कीमत बढ़नी चाहिए, तनख्वाह बढ़ना चाहिए, तनख्वाह बढ़नी चाहिए, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, तनख्वाह। अच्छा, कीमत बढ़नी चाहिए? नहीं, कीमत नहीं बढ़ी, कीमत बढ़ रही है तो हम लोग भी तो तनख्वाह बढ़नी चाहिए। हमारी तनख्वाह जो 5-7-10 साल पहले थी, आज भी वही है। अच्छा, तनख्वाह कोई बढ़ी नहीं। बात बताइए, इन 5-10 साल में पेट्रोल की कीमत में क्या क्या इजाफा आया है आपके देखते हुए, तो आपको तब लगा हो कि हाँ कीमत बढ़ रही है तो हमारी तनख्वाह तो बढ़े? तनख्वाह हमारी कभी नहीं बढ़ी, तनख्वाह बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ी नहीं हमारी तनख्वाह कभी भी, कभी नहीं बढ़ी। अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप का यही हाल है? सबका, सब जगह, दिल्ली हो, ऑल इंडिया की बात करो, सब जगह यही हाल है, सब जगह यही हाल है पेट्रोल पंप पे। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, लोगों को कैसा लगता है जब वो अब आपको पैसे देते हैं पेट्रोल डलवा के? कुछ हालात बड़ा दर्द होता है उनको, हर आदमी चिल्लाता है। 99% आदमी गाली ही निकाले जा रहा पेट्रोल भरने वाला, ऐसा बोलता दीदा जो भी निकलता उसके मुँह से। नहीं नहीं, वो तो हर आदमी गाली दे के ही जाता है, 99% की बात करो, 1% आदमी आया भराया चला गया, नहीं तो 99% आदमी कुछ ना कुछ बोलता ही है, बोल के जाता है। बात बता सकते हैं गाली के अलावा? बताइएगा कोई एक आध बात जो निकली हो, कोई ऐसा पॉइंट जो आपने नोट किया हो। नहीं, ऐसा तो कोई कंफर्म कोई पॉइंट नोट नहीं किया हमने। दुखी लोग हैं? दुखी है, हर आदमी दुखी है, हर आदमी दुखी है। ये पेट्रोल पंप का पूरा स्टाफ है सर जी, पेट्रोल डीजल से हर आदमी हर चीज़ की महंगाई हो जा रही है, हर आदमी कोई सब्जी फल फूल कोई भी चीनी महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी, उससे सरसों का तेल 200 पहुँच रहा अब। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं देश का नाम तो रोशन हो रहा है, वो उनके लिए हो रहा है, अमीर आदमी के लिए, गरीब के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, गरीब के लिए नहीं हो रहा है, देश तो सबका है ना। और अच्छे दिन का क्या है वो बताइएगा जरा, थोड़ा सा हो रहे हैं ना, जब रोड पर आ रहे हैं। अरे, अच्छे दिन नहीं है जो रोड पर आ रहे हैं? आपके अच्छे दिन नहीं आए क्या? आप गुस्सा लग रहे हैं मुझे। गुस्सा तो लगेगा ही, जब नहीं मिलेगा खाने पेट रोटी। केजरीवाल ने बोला ना तनख्वाह सबकी बढ़ेगी, 8 घंटे की ड्यूटी होगी, ये होगा। केजरीवाल ने कभी राजनीति नहीं भेजा मोदी जी ने? मोदी जी के तो कुछ उसन यहाँ कुछ है ही नहीं, वो तो केजरीवाल कर रहा है जो कर रहा है। मोदी जी का कुछ नहीं है? और ये तेल की कीमतें ये भी यही बढ़ा रहे राज्य सरकार? अच्छा, सब केजरीवाल कर रहे हैं, मोदी जी नहीं कर रहे ना? मोदी जी अच्छे, केजरीवाल? मोदी जी अच्छे, केजरीवाल बेकार है। मोदी जी अच्छे हैं, चलिए, मोदी जी अच्छे हैं, केजरीवाल बेकार है। तेल की कीमतें मोदी जी बढ़ा रहे हैं, केजरीवाल नहीं? केजरीवाल टैक्स बढ़ा रखा है दिल्ली का 3.5-4 रुपये टैक्स बढ़ा रखा दिल्ली। इंटरनेशनल लेवल की जो बात हो रही है तो वहाँ कौन जाता है, केजरीवाल मोदी? नहीं, इंटरनेशनल पर जो बात है वो मोदी जी करते हैं, मगर उससे ज़्यादा तो टैक्स ये लेते हैं ना। कौन कम करवाएगा, मोदी जी के केजरीवाल? केजरीवाल करवाएंगे यहाँ पे दिल्ली का। मोदी जी ने इंटरनेशनल लेवल पर बात करें, लेवल पर वहाँ से वो आता है, वहाँ पर तो डबल टैक्स ये भी लेते हैं ना, मोदी से ज़्यादा तो टैक्स ये ले रहे हैं। फिर मिल चुके आज तक लोगों को? अच्छा, हाँ जी। और जो आज 10 रुपए चलते हैं ना यहाँ से निकल के, तो वो पूरे पहुँचते हैं किसान तक। 700 से ऊपर है सिलेंडर, 7.5-8 है। तो ये मेहरबानी है क्या, जरा बताइए? नहीं, वो तो मेहरबानी, वो तो जो कर रही राज्य सरकार कर रही है। सिलेंडरों की कीमत केजरीवाल कम करेंगे, उन्होंने तो सब्सिडी दी है ना, वो सब्सिडी हटा दी उन्होंने। अच्छा, और बिजली पे? बिजली पे बिजली तो हम चोरी चलाते हैं,
बिजली चोरी चलती है, चोरी से चलाते हैं और क्या, जुर्म तो चल ही रहा है, जब फ्री कर रहा है कि दिल्ली में तो अभी बिल ले रहे हैं तो जुर्म ही तो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो जुर्म हो रहे हैं ना, हम चोरी चलाई चलान काट देंगे यार, रोटी नहीं मिले, रोटी मिलेगी जेल में, यहाँ रोटी नहीं मिल रही है, जेल में मिलेगी, बाहर अंदर खर्चा नहीं रहेगा, अंदर आराम से रहेंगे, और पेट्रोल पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के जिम्मेदार आप केजरीवाल को मानते हैं? हाँ जी, हाँ जी, रेट ज्यादा नहीं है, रेट ज्यादा होता है तो गाड़ी आदमी पैदल आता, रेट तो सही है अपनी जगह, रेट सही है क्योंकि सेल पहले से ज्यादा हो रही है, तो गाड़ियों की नई नई गाड़ी नहीं, यदि नई गाड़ी नहीं आती, यदि रेट ज्यादा हो तो पब्लिक पैदल चलती, मगर गाड़ी से आ रही है, यानी रेट सही है, हम पे गाड़ी नहीं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क उन पे पड़ेगा जिन पे गाड़ी है। तो आप कह रहे हैं कि पेट्रोल का जो रेट है और डीजल का रेट है उसमें कोई खराबी नहीं है, ठीक रेट है, 100 रुपए हो जाएगा, चलेगा? चलेगा, 100 नहीं 200 भी चलेगा, आप 200 भी खरीदेंगे? हमारे पास गाड़ी नहीं है, खरीदेंगे वो जिसमें पैसा है, अच्छा, हम पे तो गाड़ी नहीं है, गरीब आदमी का क्या होगा सर, गरीब आदमी पे गाड़ी नहीं है, क्या फर्क पड़ेगा, तो है ना, कहाँ गाड़ी है, कोई है वो कैसे, गरीब पे किसी पे गाड़ी नहीं है, किसी पे गाड़ी नहीं है, 200 रुपए भी हो जाए तो चले, कोई दिक्कत नहीं, 500 भी लेंगे, बिल्कुल लेंगे सर, ये देखिए कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो यहाँ से आज निकल के आ रही है, 500 भी हो जाएगा तो भी लेंगे, लेकिन जिम्मेदार केजरीवाल है, मोदी जी जिम्मेदार नहीं है।